नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बलरामपुर की, जहां थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने पिता और बहू को जिंदा जलाने की कोशिश की। साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहां रेत से भरे हुए दो ट्रैक्टर को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। और बताएंगे कैसे रुद्रपुर में मतगणना स्थल का निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने दिए दिशा निर्देश। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने पिता और बहू को जिंदा जलाने की कोशिश की है। पूरा मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम दोहना का है, जहां पैसे के विवाद को लेकर एक युवक ने पेट्रोल छिड़ककर अपने पिता और अपने छोटे भाई की पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने किसी तरह अपनी जान बचाई, जिनका प्राथमिक उपचार करवाकर अंबिकापुर बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड के लिए भेज दिया है। आइए जानते हैं विषय में थाना प्रभारी शंकरगढ़ जितेंद्र सोनी का क्या कुछ कहना है। दिनांक 21/5/2024 को रात को 8:30 बजे आरोपी जगदेव अपने पिता से इस बात को लेकर विवाद कर रहा था कि हाल ही में उसका पिता जो है 7 लाख में जमीन बेचा था। उसके पिता जो है 3 हिस्से में उस पैसे को बांटना चाह रहा था, लेकिन जो आरोपी है दो भाई होने से 2 हिस्से में ही बांटने के लिए बोल रहा था और 2 लाख रुपये उसका पिता पहले दे चुका था। 1.5 लाख रुपये रात में कल और मांग रहा था। इसी बात को लेकर वो नाराज़ था, झगड़ा विवाद करने लगा। उसके छोटे भाई की बहू वहीं पर अंडा चना का दुकान लगाती है, जो गैस जलाकर अंडा को बना रही थी। अपने पिता को हत्या करने की नीयत से पेट्रोल फेंक दिया, जिससे उसके पिता और उसके छोटे भाई की बहू बुरी तरह से झुलस गए हैं। जिनको प्राथमिक उपचार बाद अंबिकापुर रेफर किया गया है और आरोपी को भी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान के भरतपुर में जारी विशेष अभियान अरावली के तहत बाड़ी पुलिस द्वारा रेत से भरे दो ट्रैक्टर को पुलिस द्वारा पकड़ा गया और दोनों को जब्त कर लिया गया है। थाना अधिकारी विनोद कुमार के द्वारा टीम बनाकर जब्ती की गई। SHO ने बताया कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया, ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में पशु क्रूरता संबंधी कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलका विश्नोई ने बताया कि बैठक में जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की कोर कमेटी बनाने पर भी सहमति बनी, जो कि समिति से संबंधित दैनिक समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे। उक्त कमेटी में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य, सचिव, नामित सदस्य एवं 2 निर्वाचित सदस्य होंगे। ये कमेटी प्रत्येक माह में एक बैठक का आयोजन कर गत माह में किए गए कार्यों की समीक्षा करेगी। बैठक में पशु क्रूरता निवारण समिति के सदस्यों, पशुपालन विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम के अधिकारियों सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने शिरकत की। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जनपद मुरादाबाद की सभी तहसीलों में उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं CSC प्रभारी, पुलिस विभाग और फायर स्टेशन अधिकारियों की मदद से क्षेत्र में बने हॉस्पिटल एवं मॉल, पिक्चर हॉल एवं होटल में फायर ब्रिगेड टीम को लेकर आज जनपद के दर्जनों अस्पतालों में चेकिंग की गई। बिलारी तहसील के अंतर्गत कुछ अस्पतालों में दस्तावेज पूरे न होने के कारण अस्पताल को सील भी किया गया है। लगातार जनपद की अलग अलग तहसीलों में पुलिस प्रशासन एवं तहसील प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हर जगह जाकर चेकिंग कर रहे हैं और अस्पताल लगातार बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं ऐसे कमियों वाले अस्पतालों में से मरीजों को सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वहीं जिन प्रतिष्ठान पर सुरक्षा एवं फायर के इंतजाम पूरे न होने पर नोटिस देने की बात कही गई। उपजिलाधिकारी मनी अरोड़ा ने बताया कि बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए हर जगह पर निगरानी रखी जा रही है, जिससे कोई घटना घटित ना हो, इसलिए हमारे द्वारा आज कई हॉस्पिटल, पिक्चर हॉल और होटल में चेकिंग की गई। इसमें कुछ जगह कार्रवाई भी की गई। वही क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए आज ये निरीक्षण किया जा रहा है और ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जिनमें मानकों के अनुसार कमियाँ पाई गई हैं। आइए जानते हैं इस विषय में जिलाधिकारी बिलारी मणि अरोड़ा और क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार का क्या कुछ कहना है। ये कस्बा बिलारी अंतर्गत जो भी हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल और बैंकेट हॉल है, होटल है, इन सब में जो है फायर नाम के अनुसार जो है NOC ली गई है कि नहीं ली गई है और उस अनुसार ये सुविधाएं फायर से बचने के लिए रखे हैं कि नहीं रखे, इस सब का चेकिंग किया जा रहा है।
आगे भी इस तरह के चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेंगे। तो इसमें सर किसी उन पर संस्थानों पर कोई कार्रवाई? अभी देखा जा रहा है और जो विधि से अनुसार नहीं मिले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्ती की जाएगी कार्रवाई। गर्मी के मौसम को देखते हुए जो आगजनी की कई जगह घटनाएं हुई उसी के ही क्रम में हमारे द्वारा जो है बेलारी में कुछ प्रतिष्ठानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया था और उसमें जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं वो पूरे हैं या नहीं है उसी के बारे में हमारे द्वारा जो है चेकिंग की गई। एनओसी देखिए लगभग सभी के पास हैं, एनओसी अप्लाई कर रखी है सबने और कुछ ने अप्लाई कर रखी है रिन्यूअल के लिए और कई जगह पर जो सिलेंडर एक्सटिंग्विशर रहते हैं वो जो है कई जगह कुछ पुराने हो गए थे तो उसको जो है रिन्यू करने के लिए उनको निर्देशित कर दिया गया है। बाकी जो फायर की तरफ से एक नोटिस भी उनको भेजा जाएगा। तो देखिए दो अस्पताल हमने चेक किए थे, एक सिनेमा हॉल चेक किया था, एक होटल और बैंकेट हॉल चेक किया था। जिनके जिनके नॉर्म्स पूरे नहीं है उनको एक एक नोटिस दिया जाएगा। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। आपको बता दें कि 4 जून को लोकसभा की 5 सीटों का रुझान आना है। इसके मद्देनजर उत्तराखंड में भी मतगणना की तैयारी प्रशासन द्वारा जोरों शोरों से चल रही है। इसके मद्देनजर उधम सिंह नगर रुद्रपुर मुख्यालय में मंडी समिति में स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां आज जिलाधिकारी उदयराज सिंह और उधम सिंह नगर पुलिस कप्तान मंजूनाथ टीसी द्वारा स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर व्यवस्था पर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चकाचौंध करने और मतगणना स्थल पर होने वाली मतगणना में सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट एवं प्रत्याशियों द्वारा गाइडलाइन का पालन करने एवं वहां मौजूद पुलिस के जवान एवं पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद रहेंगे। उनके लिए भी पुलिस कप्तान मंजूनाथ टीसी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। रुद्रपुर से सीनियर संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।